कार्ड को खत्म करने वालों, जब तुम्हारी जमातें चलेंगी इन ओबाशों की वजह से, इन गुंडों की वजह से। आपको माफ कर देना है, आज जो लोग मासूम है, अगर दुनिया के अंदर काम करना है, तबलीग करनी है, दावत का काम करना है, इस किस्म के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार भी करना, ए मेरे मौला, ये जानते नहीं है कि गुनाह को माफ फरमा दीजिए, इन्हें मालूम नहीं है। आपने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के, या अल्लाह इल्म अमल की दौलत से मालामाल फरमा, या अल्लाह जो हमने इतने किया है कि टॉयलेट लेटरिन बाथरूम शौचालय जिस घर में अगर नहीं होगा लड़के या लड़की की तरफ से, तो हम जो है उसका भी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। कुर्बानी देगा अल्लाह जल्ला जलालहु व मनवालू, जरूर ब जरूर उसे सीधा रास्ता दिखाएंगे। तो आपके वादा से मुसलमान तार तार हो जाता है, गुस्से में भर जाता है, लेकिन अपने गुस्से शौचालय तो सबके लिए कंपलसरी है, हर घर में कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता है सब बाहर जाते हैं और अपराध इसी वजह से होते हैं, रेप वगैरह का कांड होता है तो हमारे जो माँ बहनें होती हैं बाहर जाती हैं, तो शौचालय हर घर में कंपलसरी, सफाई के लिए भी है, तो मोदी जी ने चलाया है कि शौचालय हर घर में होना जरूरी है। जमीन पर डल जाता है, जिस नबी का खून जमीन पर गिर जाए, राहिल आए, मिकाइल आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कौम है, फैनों कौम लाया। भाइयों, इस्तिग़फ़ार करना है कौम के लिए भी, अपने लिए भी, अपने औलाद के लिए भी और अपनी नस्लों के लिए भी, और आगे क्या हुई, फैनों हम लाया लमून, ए मेरे मौला इनके लिए हिदायत आता फरमा। आज हम ये तय किया था, 55 मकातिब कायम किए थे, और हजरत मौलाना इलियास साहब और उनके भाई मौलाना मोहम्मद साहब।